कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने दिया विवादित बयान, कहा कि यदि इस बार मोदी सत्ता में आ गया तो 2019 का चुनाव इस देश का आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होंगे और देश में इमरजेंसी लग जाएगी तथा सिर्फ डिक्टेटरशिप का राज रहेगा। लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी ने आज रोपड़ में एक जनसभा को संबोधित किया तथा लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित बयान दे डाला। मनीष तिवारी ने कहा कि 2019 का जो चुनाव लोकशाही बचाने के लिए है, मनीष तिवारी ने कहा कि जो पहले दो चरणों में चुनाव हुए हैं उनसे साफ पता लग रहा है कि मोदी सरकार भाजपा पूरे देश में हार रही है। उन्होंने कहा कि फिर भी अगर कहीं मोदी दोबारा सत्ता में आ गया तो फिर 2019 के यह चुनाव देश के होंगे आखिरी चुनाव। मनीष तिवारी ने कहा कि इसके बाद देश में इमरजेंसी लग जाएगी तथा डिक्टेटरशिप का राज रहेगा। उन्होंने कांग्रेस लोगों को एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कहा। रोपड़ से जसवीर सैनी की रिपोर्ट।